मज़ा आ रहा है और टेस्ट बहुत अच्छा है। हम खुश हो रहे हैं कि हमने शुक्र है सही जगह डिसाइड की है। मोहन प्यारे रैन की गाड़ी चल पड़ी है, ये हमदा की भी आ रही है, चलो 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 बैठ सकते हैं। ये देखो बाहर सारे पीछे देखो। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड टू ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सैर क्रेजी वर्ल्ड में और मैं हूँ जी आपकी हो सैर शिशफा। तो एक नए दिन में, एक नए ब्लॉग में कुछ नई बातों, नई चीज़ों के साथ हम हो गए हैं हाजिर। तो जी आप देख रहे होंगे आज है ईद का दूसरा दिन, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा सेकेंड डे ऑफ ईद बहुत ज़्यादा मुबारक। तो जी हम हो गए हैं फ्रेश और रेडी हो गए हैं, तैयार तैयार होकर निकल पड़े हैं घर से घूमने के लिए, क्योंकि आपको पता है सेकंड डे तो घर में नहीं गुजर सकता कभी भी। सेकंड डे तो कहीं ना कहीं आउटिंग करनी ही होती है। बच्चे जो है एक दिन ही बहुत मुश्किल से, उन्होंने कल भी वैसे इंजॉय किया है, लेकिन आज तो हम जाएंगे दूसरी सिटी में, वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, कुछ अच्छा सा देखते हैं, हाइटिंग वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ करेंगे। तो आप रहिए हमारे साथ, लेकिन हमारे सारी वीडियो देखने से पहले आपने करना क्या है, हमारे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर और बेल आइकन को कर देना है प्रेस, ताकि आप इस तरह की मजे मजे की वीडियोज़ देख सकें। और जी हम हैं मेन रूट पर, तो इसलिए हॉर्न भी बज रहा है। खैर आपको मिलवाती हूँ बच्चों से भी और सलमान साहब से भी, तो लेट्स गो। एंड जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत प्यार लग रहे हैं आप, सेकंड डे ऑफ ईद बहुत बहुत कहे ना गाइस को। सेकंड डे नहीं, इसका एक ही होता है, वो बड़ी ईद होती 3 दिन। नहीं नहीं अल्लाह, सलमान तो बिल्कुल ही डिफरेंट बात करते हैं, खुद मना रहे हैं एक दिन की, खुद मना रहे हैं ईद को। सेकंड डे ऑफ ईद बना रहे और ईद हो गई है। एक दिन की होती है, हम तो पकड़ेंगे आपको भाई। बकरा ईद 3 दिन की, कुर्बानी 3 दिन की, एक दिन की होती है। अच्छा चलो, क्या करते हैं? मेरा ना दिल घबरा रहा, देखो जरा मैंने फ्रीजर में रखा था ये। सलाम लो पहले गाइस से। अस्सलाम वालेकुम, हम भी सलाम ले। अस्सलाम वालेकुम, और नैनो भी सलाम। कल का दिल घबरा रहा है, बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरी बात सुनो, पिज्जा खाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा आगे जाके। हां अभी अभी तो निकले, हाँ अभी तो निकले घर से, फिर तबीयत खराब हो गई। सिर्फ आधा घंटा रुक जाओ बस। हाँ अभी थोड़ा सा, जब इंसान ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं ना, फिर मोशन सिकनेस जरा कम हो जाती है और फिर आप खा पी सकते हैं। अगर बिल्कुल बैठते ही खा पी लेना तो फिर वॉमिट स्टार्ट हो जाती है। तो ये रूल है, हम अपने बच्चों को भी आधा पौना घंटा नहीं कुछ खाने पीने देते, उसके बाद जो मर्जी खाएं इंजॉय करें, फिर बच्चा स्टेबल हो जाता है। सो या बस अब निकलते हैं, ठीक है, थोड़ी सी स्टेबल रोड पर आते हैं। यहाँ रश बहुत ज़्यादा है, दोनों साइड से बाइक्स आ रही हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और इस वजह से ना हमें ज़रा चलना पड़ रहा है और ब्रेक भी बार बार लग रही है। आपको ये बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं अभी नहीं बताया। बताएंगे सलमान साहब हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ मैंने कहा जाके मैंने कहा बताते हैं ना, जाके बताते हैं, पहुंच के बताते हैं। मैंने ये बताया कि हम हाइटी और बुफे वगैरह करने जा रहे हैं और हम लाहौर नहीं जा रहे। नहीं लाहौर नहीं जा रहे, सलमान साहब की सुन लिया मैंने, मुझे लाहौर बहुत पसंद है, भी लाहौर इज़ माय सेकंड होम। और वहाँ जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेफ हूँ और वहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा किसी और जगह जाते हुए ना मुझे डर लगता है, तो सलमान साहब को नहीं लगता, ये कहते हैं नहीं डिफरेंट सिटीज़ एक्सप्लोर करें, दूसरी जगहों पर जाएँ। तो ये आज हमें ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं। हाँ पिछली ईद पर ही हमें भावलपुर लेकर गए थे, वहाँ पे हम गए थे तब, और नूर महल दिखाया था, है ना, लाल सुहाना पार्क गए थे। हाँ वो वाले ब्लॉग्स भी हमारे हैं। सो दिस टाइम वी आर गोइंग समवेयर एल्स, सो बस स्टे कनेक्टेड। और देखिए लेकिन तब ब्लॉग बनाते नहीं थे, तब ब्लॉग नहीं, वो तो हम जाते ही है ना रूटीन में। देखिए आप ईद पे, हाँ ब्लॉगिंग में आप वही चीज़ दिखा सकते हैं जो आपकी रूटीन है, ब्लॉगिंग के लिए कुछ आप स्पेशल नहीं कर सकते हैं। के कहेंगे ये ब्लॉग बना रहे हैं तो ये इसलिए जा रहे हैं, नहीं हमारी रूटीन है, हम जाते ही जाते हैं, हम एक्सप्लोर करते ही करते हैं। लेकिन अब सिर्फ डिफरेंस ये आया कि हम आप लोगों को भी साथ लेकर जाते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। गाइस यहाँ तो पार्टी शुरू हो गया। हमदा आपको क्या हुआ, दिल खराब हो रहा? और रैन और सारे तो फ्रेश जूस पी के मजा आ गया, मैंने फ्रीजर में रख दिया था, बर्फ बन गया था, अब ठंडा है। हाँ अब ठंडा। वाह भाई वाह, इन्होंने अब काफी टाइम हो गया, घंटा तो हो गया है ना निकले हुए, तो अब ये लोग खाने पीने लगे हैं। हां घंटा हुआ है, नहीं बेटे 12 बजे निकले। हां तो फिर अभी घंटा हुआ है, तो फिर अब ये स्टेबल हो गया, अभी अपने एंजॉय करने लगे हैं। और गाइस देखें बाहर माशाल्लाह सारी गंदम की फसल जो है ना वो तैयार खड़ी है। अभी आगे भी दिखाती हूँ, सारे रास्ते यही देखते आए हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये देखें जी, बस किसान भी तैयार हैं इसकी कटाई के लिए। तो जी जब फसल आती है तो खुशहाली आती है और बहार आती है। ये यहाँ पे थोड़ी सी नीचे को हुई हुई है वैसे हवा से, जैसे जैसे खुश्क हो जाती है तो तना जो है उसमें ताकत नहीं ना रहती, ताकत नहीं रहती और दानों का बाहर होता है बदनों पे। सही सही, ये जरा सी हवा चलती है तो ऊपर। सही सही, ये कैसी रोड मिल गई हमें? नहीं नहीं, ये थोड़ी सी है। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह सारे रास्ते ऐसी फसलें हम देखते हैं, सारी गुरु में देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब बस लोग ईद के बाद कटाई शुरू हो जानी है और लोगों ने अपनी शादियाँ करनी है, लोगों ने अपनी चीज़ें लेनी होती हैं गंदम की फसल के बाद। तो अल्लाह ताला उनकी कमाई में बहुत ज़्यादा बरकत डाले और हमारे मुल्क में भी जो है ना शादा खुला रहे और अनाज की कमी कभी ना हो। ये देखें ताहदे निगाह जो है ना वो माशाल्लाह गंदम ही गंदम। आज हमने ईद पे आपको गंदम ही, आज हमने ना ईद पे आपको गंदम ही दिखानी है। फिर हमारे इधर देसी लोग भी है ना खुश हो रहे हैं कि देखिए माशाल्लाह से जहाँ तक आप देख सकते हैं ना वहाँ तक गंदम। हाँ, सारी दुनिया का रिस्क होता है। हम सारे रास्ते ना हमने माशाल्लाह माशाल्लाह गंदम ही देखी है। ये देखे ताहदे निगाह गाड़ी चलती जा रही है और कब से चल रही है और गंदम नहीं माशाल्लाह खत्म हो रही है। देखे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, इंसान को शुक्र ही होता है अल्लाह ताला का करना चाहिए। हाँ वो पीछे हार्वेस्टर लगा हुआ है। सारी माँ से ही शूज पहन कर आया है, दिखाओ भाई सारी। ओ माय गॉड, ये भी देख लें गाइस। और हमदा भी दिखाओ, निकालो भाई हमदा के कहाँ पहुँच। ये हमदा के हैं और सारी भैया के ब्लैक वाले यो-यो हैं। ये देखिए शूज दिखा के दिए, तीनों भी बैठ गए। क्या बहुत देख लें आपकी, हम लो 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 ये ऐसे ऐसे पंच कर। गाइस आप पहुंच गए हैं मुल्तान और काफ़ी बड़ी बड़ी रोड्स हैं, खुली खुली और खुला एरिया लग रहा है काफ़ी। हम पहुंच गए हैं मुल्तान। अब मैंने बता दिया कि हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं जी मुल्तान और यहाँ पे करेंगे हम हाईटी। हाईटी की बुकिंग समान साहब ने करवा ली है कॉल पर। सो बस अब हम चलते हैं वहाँ जाके, तो देखते हैं। और बच्चे भी थक गए हैं थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि पास ही था ना मुल्तान, तो हमारे पास ही है। इजी हम आ गए, मज़ा बहुत आया, इंजॉय किया। हम लोग मुल्तान में एंटर हो गए हैं और यहाँ पे आते ही हमें ये देखे क्या मिला है, फ्लाईओवर जैसा कि साहिवाल में भी बना हुआ है। कहाँ पे ये इसको देखने जरूर आएंगे हम, सलमान खाना खा के हाँ घूमते हैं आके। ये देखो वाह ब्यूटीफुल, ये देखें जी आपको भी हम दिखा रहे हैं। नहीं, शहर के हिसाब से ठीक है। हाँ, खाना और फिर हम आते हैं यहाँ पर मालो मुल्तान में, हाँ इंजॉय करते हैं, शॉप देखेंगे, देखते हैं यहाँ पे है क्या। इंसान का वियन बढ़ता है, वैसे भी आपको न्यू जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए अगर बाबा हमें जबरदस्ती मुल्तान ले आए तो अब हम मुल्तान देख कर ही जाएंगे। यू विल नॉट रिग्रेट, इन फैक्ट जहाँ आप जा रहे हो ना खाने आप कहोगे कि मैं सही लेके आया। अच्छा, न्यू टेस्ट लेना चाहिए एक नई चीज का। चलो मैंने ये वाली रिंग्स इसके साथ मैच की है, ये बैग लिया है और ये मेरा ड्रेस है। और बाय चांस ही ना सारे ड्रेस पिंक हो रहे हैं, तो हर एक के साथ पिंक बैग ही चल रहा था और मैंने ये वाला मैच कर लिया है। किसके साथ? इसके साथ या मेरी बैंगल्स और बाकी फुल लुक में हमदा से कहती हूँ। मैंने कहा ये गुलगस्त जो है ये सॉर्ट ऑफ अनारकली टाइप बाजार है। हेलो करे मुल्तान वाले, अगर मुल्तान से हमें कोई देख रहा है ना तो उसने लाजमी कमेंट करना है, लाइक करना है और हमें बताना है, ठीक है जी। और हमारी वीडियो को आगे शेयर भी करना है मुल्तान वालों। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपका शहर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है और साफ सुथरा भी है, नीट भी है। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि ना हमदा घर से इतने अफरा तफरी में रेडी हुए कि ना मैं आपको अपनी फुल लुक भी नहीं दिखा सकी, तैयारी भी नहीं दिखा सकी क्योंकि ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं था। क्योंकि सलमान कह रहे थे जल्दी करे, हमने लेट हो जाना है क्योंकि टाइम पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब हम उतरती हूँ ना मैं, फिर हमदा ये सारी को कहते हैं कि वो आपको मेरी फुल लुक दिखाए, ठीक है। यहाँ पर सारिम ने ब्रिटेन देखा है, ब्रिटिश ग्रुप ऑफ स्कूल्स देखा है, सारिम बहुत खुश हो रहा है। आपको पता है जो ये ब्रिटिश स्कूल है इसके सबसे ज़्यादा कॉलेजेस और स्कूल्स के कैंपस मुल्तान में है। मुल्तान में 10 कैंपस स्कूल के और पता नहीं 5-6 कॉलेजेस के हैं सबसे ज़्यादा। और सारिम ने ये कैंपस देख लिया है, सारिम इतना खुश हो रहा है। सेम सारिम के स्कूल की तरह सही स्कूल है। का नाम ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल है और जो है कॉलेज का नाम है ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज। वाओ सारिम, ब्रिटेन है, ब्रिटेन इंटरनेशनल।
ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन नहीं होता। हम एक नया शहर एक्सप्लोर कर रहे हैं गाइस, एक नया शहर एक्सप्लोर हो रहा है। अब देखो वो आगे जाके चौक में हमने लेफ्ट लिया। वो रहा मम्मा, वो रहा, वो देखो। हां वो साइड से आएगा, लेकिन हमने यहां से टर्न हो जाना है। हां बाबा टर्न आने लगे हैं, हमने यहां से इस तरफ को टर्न हो जाना है। ये और ये देखें जी, हम हो गए हैं टर्न। ये देखो ये भी अच्छी जगह है, मैंने कहा मैं साथ साथ व्लॉग में भी दिखाती जाऊँ। पहली बार आए हैं ना? हाँ नहीं पहली दफा आए हैं, पहले बहुत छोटे थे तभी आए। हाँ एक दफा आए थे हम पहले भी, तब पहली दफा ही सामने चाय था, छोटा था हम, पहली दफा ही आ गया चाय था ना। हाँ आ गया, आ गया। ये देखो जी इस साइड पर आ गया है, ये है जी चले उतरते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसको कि कैसी जगह है। बच्चों को स्पैरो नजर आई, इतने खुश होकर देख रहे हैं। ये देखो यहाँ पर खड़े हैं, हाँ वो थोड़ी सी उड़ के वहाँ पर चली गए। चलो बस अब हम अंदर जाने लगे हैं, सो बाबा का वेट कर रहे हैं। जबरदस्ती प्लेट रेडी कर ली है, ये देखिए सारी, और ये भी रेडी कर ली है। अच्छा हुरैन को मैं सर्व करती हूँ, मम्मी आपको सर्व करेंगी। बहुत सही मम्मी, क्या लेना हुरैन ने? बारबेक्यू लेना है, बाबा आते हैं। ये देखिए और क्या लेना है हुरैन ने, ये वाला लेना। चलो मैं गाइस आपको दिखाती हूँ सारा मेन्यू ना हुरैन को एक दफ़ा मैं ना, नहीं आई विल गिव यू, जल जाओगे। देखो ये बात नहीं मान रही यहाँ पर आकर। चलो लो इसमें आराम से, फोर टाइट फोर। यहाँ पे राशन भी लग रहा है, मैंने मुझसे दिखाया नहीं जाना। चले गो गो चले चले। ये भी है यहाँ पर, ये क्या है, फिंगर चिकन है, ये लो, दिस इज वेरी यम्मी। आपको मेन्यू दिखा देती हूँ, यहाँ पर क्या क्या पड़ा है, रोस्टेड रैप्स हैं और ये हनी वाले विंग्स हैं और चिकन विंग्स। गाइस यहाँ पे ना कोई फंक्शन है, उसकी वजह से ना एकदम इतना रश हो गया है कि ना मैं मेन्यू नहीं दिखा पा रही, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो चीज़ मैं लूँ मैं आपको खुला में दिखाऊँ। तो ये देखें रश। हाँ जी यस, यूरान की सीट थी, आप उस साइड पे बैठ दो मेरे साथ, मम्मी के साथ, मम्मा यहाँ बैठेगी, मेरा बेबी उधर। देख लो फिर देखने से झगड़ा है, कहीं भी चले जाए झगड़ा नहीं खत्म हो सकता। पर है चिकन टिक्का और चिकन रेशमी कबाब है, ठीक है, और है पनीर पास्ता, चिकन बिरयानी, और है पिज़्ज़ा एंड चिकन चौमिन। यहाँ पे है फ्राइड राइस, ये क्या है, कुंग पाओ फिश, एंड दिस इज सी के स्पेशल स्टीक, नान रोटी है मोहन प्यारे। मटन है, मटन लाहौरी कढ़ाई, दिल फ्रेजी हांडी है, ये है जी मटन पालक गोश्त, और यहाँ पे वो फिश थी जो रैन को भी दी है, और ये वो रोस्टेड रैप्स हैं, और वो दोबारा पहले दिखाए थे ना वो भी हैं। चिकन विंग्स क्या ले रहे हैं, मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया है, बस मैं भी लेने लगी हूँ, ठीक है थोड़ा ले लूँ, और फिर उसके बाद जो है ना वो ब्लॉगिंग करूँगी, घर की तरफ जा रही हूँ भाई। प्लेट है और ये साथ में इन्होंने स्ट्रॉबेरी शेक दिया है कॉम्प्लीमेंट्री। जी जी ये जूस है, ओके ड्रिंक करके देखते हैं। ये लेना हॉट विंग, हॉट विंग लेना। ओके ओके, ये देखो हुरैन क्या उनके काम कर रही है, मैं मेरे साथ बैठना। चलें जी गाइस बिस्मिल्लाह करते हैं स्टार्ट। गाइस खाना बहुत ही मजे का है, बहुत मज़ा आ रहा है और टेस्ट बहुत अच्छा है। हम खुश हो रहे हैं कि हमने शुक्र है सही जगह डिसाइड की है, कहीं हमने कोई गलत जगह नहीं सिलेक्ट कर ली। उससे साइड पे क्या पड़ा, फास्ट फूड है, सैलेड्स हैं सारे। अच्छा उसके इसकी बैक साइड पे, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो सिर्फ ये साइड ही देख लिया, पीछे भी है। अच्छा कहना चाहता है सैलेड है, स्वीट सैलेड है, सैंडविचेस है। अच्छा यहाँ पे खुद से भी आप अपना बना सकते हो, रेसिपी सारे। चलो मैं जाके देखती हूं, अभी देख रुपए लेकर आ गई है, और ये देखे मुँह में फिंगर डाल के घूम रही। चलो खाना खिलाऊ, कम करके लेके आई, पहले खाली गोलगप्पे लाई थी, फिर भी ले आओ ना।
प्लेन वाले नहीं, उसको प्लेन ला दो रहने को। सैनिटाइजर बेसिस राइट जो है वो स्टोर करते हैं, देख ले लेते हैं यहाँ से। हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या है? फ्रेंस्टो, गुलाब जामुन, वाओ, यहाँ सारी मीठी चीज़ें हैं। अच्छा ये भी सर उम्मे अली, ये क्या है? कोई चीज़ है स्पेशल? ओके ये देखिए सैलेड, ये साइड सही थी, हम दोनों साइड पे चले गए थे। गोलगप्पे भी हैं, यहाँ गोलगप्पों का पानी है, ये क्या है? ये भी सैलेड है, सब फ्रूट्स भी, फ्रेश फ्रूट्स भी है, जेलीज हैं, फ्रूट्स हैं, सैंडविचेज हैं डिफरेंट स्टाइल के। सही, ये खाने क्या है? चीज भी अभी पिकल्स हैं, ये सारे और सॉसेज हैं। ये देखें जी कैंडीज, वो जो डोनट की तरह होती हैं। सही सही सही, स्वीट्स, वाओ। इनके पापा सही बुफे करने आए हैं, मैं तो व्लॉगिंग ही कर रही हूँ बस। ये दोनों सही मज़े ले रहे हैं जिंदगी के, ज़िंदगी के मज़े। ये है मेरी सेकंड प्लेट जिसमें मैं सारा सैलेड लेकर आई हूँ और सैंडविच मैंने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मंदी भी है, अफगानी पुलाव है, काबली पुलाव है, सही ये लिखा हुआ है, चिकन सजी विद काबली पुलाव। ठीक है, इस तरह से ना हमने खा लिया है, बस मैंने ना लास्ट रह गया, मैंने कहा ये मैंने मटन नहीं चेक किया था, ये मैं लाजमी चेक कर लूँ। ठीक है, और चाय भी हमने मंगवा ली है, और ये देखें बच्चे ये बैठे हुए हैं, ये देखें हुरैन को इतनी मुश्किल से, बहुत थोड़ा सा हुरैन ने सिर्फ दोन वाले खाए हैं, इतनी मुश्किल कि मैं बता नहीं सकती। हुरैन नहीं खा रही थी, बहुत मुश्किल खिलाया। ये देखें इनके जूसेज भी ऐसे पड़े हुए हैं। कितना टाइम रह गया? हाँ खा रह गया, 1:15 पे होंगे। हाँ तो अब मैं ये खा लूँ, फिर चाय पीते हैं, फिर बस हमने यहाँ से अब निकलने थक गए हैं, फिर मॉल जाएंगे, मॉल जाते हैं, फिर आपको नहीं बाय तो कुछ नहीं करना, वैसे विजिट कर सकते हैं, देखेंगे कैसा है मॉल। सो यस मैं ये खा लूँ, ठीक है, और चाय का कलर बहुत ही ज़बरदस्त, मेरा हार्ट फेवरेट है। और जी नैनो बैठी है, नैनो मन के नैनो, बच्चों से कहा जल्दी से स्वीट्स ले आओ क्योंकि ना टाइम ख़त्म होने वाला है, साथ में स्वीट्स कहीं रहना चाहिए। देखिए जिस मान साहब तो चाय पी रहे हैं, ले लो। हमने हाईटी कर ली है, अब हम लगे हैं निकलने, ठीक है, मॉल के लिए। चलो बैठो गाड़ी में बैठो, मानो आ जाओ, चलो चले। अच्छा ये लो चलो जाओ बस जाओ। क्या रही है, अपनी बेटी की चूड़ियाँ दे दो, बेटी रख ले दो सारी की सारी। थोड़ा कुछ खा के निकले, सांस आ नहीं रहा, बैठा कैसे है। और चीजों के लिए तरस रहा है। अच्छा, अभी पहली फुर्सत में आप लोगों को मालूम हो, नॉन एंटर करा के ना मैंने मालूम था, फिर देखते हैं कहीं और निकल। हम यहाँ आए तो है मालूम लाहौर में, लेकिन ये तो मालूम मुल्तान में, सॉरी, सारा ही बंद पड़ा हुआ है, देखो सब बंद। कैसे हो गया सब? बंद हो गया है, कुछ नहीं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? बंद हो गया। नहीं यहाँ पे क्या एक्टिविटीज ऊपर कुछ है? फन लैंड, जॉय लैंड, बस फूड कोर्ट एरिया और कुछ नहीं है। अच्छा चलो देख के आते हैं। कैसे हम लोग यहाँ पर आ गए ऊपर सुपर स्पेस में मॉल ऑफ मुल्तान में, तो यहाँ पर थोड़ी सी है रौनक, वरना तो कोई रौनक ही नहीं मिल रही थी। हमदा चढ़ के बैठ गया कार में, मैंने ये लेनी है, और ये हुरैन बैठ गया। जी हुरैन को साथ बिठा लो, 150 की है। हुरैन अभी के साथ है, जो हुरैन कहती नहीं, हुरैन का अपने साथ। हां जी गाइस, मैं ले आई हूं टिकट इनके, ये देखो, ये बैठ सकते बच्चा? नहीं, सारी वो कहता नहीं बैठ सकता। ये देखो बाहर, सारी पीछे देखो, हाँ ये देख लगती होगी, कहते मेरी इद्दी में से मुझे ले दो। ओए ओए होए हमका के मजे हो गए। ओके हुरैन की गाड़ी चल पड़ी है, ये हमका की भी आ रही है, चलो। यूहू, आगे हुरैन गाड़ी, पीछे हमका। ये देखो
हाँ जी गाइस, हम लोग निकल आए थे वहाँ से, मॉल से। वहाँ तो बंद था और ज्वेलैंड ओपन था, लेकिन कंजस्टेड एरिया हो गया था तो और गर्मी लग रही थी, तो हमने कहा निकलते हैं थोड़ा मुल्तान शहर को एक्सप्लोर करते हैं। तो जी अब हम यहाँ पे घूम रहे हैं, देखेंगे मकबरा। दिखाऊं शाह शम्स तबरेज़? दिखाएं तो सामान सब हमें डिफरेंट जगह दिखा रहे हैं। घंटा घर भी है यहाँ पे। ये देखिए हम आप लोगों का मुल्तान, जो मुल्तान वाले हैं भाई, हम आपका मुल्तान देख रहे हैं। ये अंदरून मुल्तान है, ये अंदरून मुल्तान है। और बच्चे सब ये बैठे हैं, हमदा नहीं नजर आ रहा। हमने ना जूते चेंज कर लिए, मेरे दर्द हो रहा था, पांव में दर्द हो रहा था। चलो ठीक हो गया। तो अभी हमने निस्तर मेडिकल कॉलेज भी देखा है और अब हम यहाँ पर आए हैं। लेंगे गाइस फेमस घंटाघर मुल्तान, सलमान साहब हमें ले आए हैं। सलमान साहब हमें सारी मुल्तान की चीजें जाना, वो अच्छी अच्छी दिखा रहे हैं। टीवी पे देखते रहते हो? अभी देख लिया। सलमान साहब कह रहे हैं देखते रहते हो टीवी पे। लंदन आ गए, मेरे को लग रहा है कि लंदन आ गए। बिल्डिंग से वो है ना, अंग्रेज इरा की है। हाँ, हमारी जीसी भी ऐसे ही थी, आर्किटेक्चर भी ऐसे ही है। मेरी जीसी भी ऐसी ही थी, वो बिल्डिंग जिसको अच्छा वो जैसे लाहौर में बारादरी टाइप। अच्छा ये वो ट्रेन बनाई हुई है, वो दमदमा आ गया, माशाल्लाह हमने देख लिया दरगाह। और ये देखिए आप लोग भी देख रहे हैं कितने लोग आए हुए हैं, इतना रश है। ये देखो ऊपर दीवारों पे जाके बैठे हुए हैं। ये टीला था ना ऊंचा, जहाँ भी ऊंची बनी है मजार की। हमने आपको सारा मुल्तान अपने साथ साथ घुमा दिया, जो जो चीजें हमने देखी हमने सब कुछ आपको भी दिखाया, ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो, आप लोग भी देखे मुल्तान में क्या क्या है। और ये सलमान साहब ने एफर्ट किया है इतनी कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ और वो ये सब चीजें दिखा रहे हैं हमें। जो है ये बहाउद्दीन ज़करिया का ये मज़ार, ये वाला। अच्छा ये बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार है, वो शाह शम्स तबरेज़ था। अच्छा वो शाह शम्स तबरेज़ का था। सही। यहाँ पर दो मज़ार है, एक है बहाउद्दीन ज़करिया का और एक शाहरुख आलम भी है। और ये देखें जी आपको मेट्रो भी दिखाते हैं हम, जल्दी से दिखाओ भाई। ये देखो तीन दरगाहें हैं यहाँ पे, सुन ले पहले। इधर चलेंगे सुना, तीन औलिया अल्लाह के मज़ार हैं यहाँ पर। सही, शाह रुकने आलम है, शाह शम्स तबरेज़ और बहाउद्दीन ज़करिया। ओके ये देखिए आप, थोड़ा सा मुझे मिरर क्लियर दो ताकि मैं इधर गाड़ी पे ले के जाऊं। ऊपर वाह, वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। यहाँ से एंटर होते हैं ना, ये बहाउद्दीन ज़करिया का है ना, ये बहाउद्दीन ज़करिया का है। और जो पीछे था वो कौन सा था? वो जो दूसरी तरफ से हम आए हैं वो शाह शम्स तबरेज़। शाह शम्स तबरेज़ का। ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह चांद ईद का नजर आ रहा है। और जो कह रहे थे ना कि ईद गलत की है, बिल्कुल गलत कह रहे थे, बिल्कुल ठीक ईद हुई है। और ये आज दूसरे दिन का चांद है, माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक। जी गाइस हम लोग ना बस निकले हैं मुल्तान से, यहाँ पे एक जगह से पेट्रोल डलवा रहे हैं सलमान साहब। और मैं आपको चांद दिखाती हूँ, अब थोड़ा अंधेरा हो गया, अब ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। और उसके बाद हमने चले जाना है घर, तो बहुत ज़्यादा लेट है थक, सो घर चलते हैं फिर आपसे। जी गाइस सलमान साहब यहाँ पे रुके हैं, जहाँ वो नमाज़ पढ़ लेंगे और मैं तो घर जा कर ही पढ़ूँगी अब। सो खैर हम कैफेटेरिया का चक्कर लगा करते हैं। चल जा जा मेरा बेटा, बात भूल गए को बात भूल गई है। हाँ हमने सोन हलवा भी ले लिया मुल्तानी, क्योंकि सारिम दिखाने लगा है। घर जाके दिखा देना, ये लो जी सारिम ने ये भी दिखाना। और गाइज आपको मैं ना चांद भी दिखाती हूँ, अब अंधेरा हो गया ना, अब चांद और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ईद माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बिल्कुल ठीक परफेक्ट हुई है। ये देखिए मैं जूम करती हूँ, ये देखिए आज तीसरी तारीख का चांद होगा ना, और सेकंड डे है लेकिन चांद की तीन तारीख होगी। सो चलते हैं कैफेटेरिया में और फिर कुछ देखते हैं वहाँ पे। चलो आ जाओ हमदा, हमदा में तो हिम्मत ही नहीं है ना। आपने खाना है? नहीं, चलो आ जाओ चलें वहाँ कैफेटेरिया में लेते हैं।
क्या लेना है? लेस ले लो। लेस का दिल कर रहा, कुछ और देखूंगी, कुछ अगर दिल किया तो। चलो हम आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन ना कोई चीज खाने का दिल ही नहीं कर रहा, पेट भरा हुआ है। तो वैसे ही बस घूम रहे हैं और देख रहे हैं। मैं देखे यहाँ पे आते ही चॉइस तो चिपक गई है। हमदा क्या देख रही है? हमदा देख रही है कि मैं क्या खाऊं। और सारिम क्या कर रहा है? सारिम की अपनी जिंदगी के मसले चल रहे हैं। क्रैकर्स हैं कहीं, वो कहीं इधर से ना उठाए। हाँ क्रैकर्स गाड़ी में से, तू बाहर चला जा। गाड़ी में से क्रैकर्स निकल रहे हैं, पता नहीं। सारिम टॉयज जितने हैं ढेरों ढेर टॉयज नहीं लेने। सारिम परेशान हो रहा, क्रैकर्स तो मैं गाड़ी में से लाया था, अब वो कहेंगे कि आपने यहाँ से उठाए हैं। खैर हम लोग आ गए हैं घर वापस। और ये देखे नहीं, मैंने रख दिया है अपना बैग, सोन, हलवा। और हमदा और रैन भाग गई वॉशरूम में। हमदा वॉशरूम से होके आई है। और सलमान साहब और सारिम जो है वो गाड़ी अंदर करने लगे हैं, गाड़ी को देख रहे हैं ज़रा। ये देखें जी, बस गाड़ी अंदर आने लगी है। सो है बस, अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं गाइस। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारा व्लॉग देखने का, और हमें बहुत सारा अपनी दुआ में याद रखिए। और आप लोगों को हमारी तरफ से एक दफ़ा फिर से बहुत 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 ज़्यादा सेकंड डे ऑफ ईद बहुत बहुत मुबारक। और जी कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।